हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ यूट्यूबर ऑसम क्लैशर और मैं आपको आज बताने वाला हूँ DH9 इजीली मैक्स कैसे करते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं हम हमारे वीडियो के और बिना टाइम गवाए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था TH9 इजीली मैक्स करने का ट्रिक, और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं गाइस, मैं फ्री TH9 का गिव अवे रखूंगा। जब मेरे सब्सक्राइबर 5000 हो जाएंगे तो मैं फ्री TH9 की आईडी दूंगा, एक नई गाइस बहुत सी आईडी दे दूंगा। बस आपको मेरे सब्सक्राइबर 5K कर देना है गाइस, प्लीज़ कर दीजिए जल्दी से। मैं सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, 35 पे हैं क्या गाइस, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और मैं आपको TH9 की आईडी फ्री में दे दूंगा गाइस इसी वीडियो में, और यही आईडी दूंगा। तो चलो गाइस, चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। जैसे कि मैंने कहा था TH9 इजीली मैच करने की ट्रिक, गेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट आपको दोनों बिल्डर एक्सपो पे खोल देने रख देने चाहिए, और आपको ज़्यादा डार्क ट्यूब की तो जरूरत पड़ेगी जी, चलावा एक बिल्डर को डार्क ब्राइट पर रख दीजिए और आप दो बिल्डर एक्सपो पर रख दीजिए, और बाकी के जो चिल्लर अटेम्प्ट होते हैं, चीज होते हैं, वो आप खोल सकते हैं आराम से गाइस। और आप खोलने के बाद आपको आपको क्या करना होगा, दोनों एक्सपो को जल्दी जल्दी मैक्स करना होगा और नया डिफेंस जल्दी जल्दी सेम लेवल पर लाना होगा गाइस। लाने के बाद आपको मैक्स करना होगा पहले मेन चीज पूरे 800 टावर्स और पूरे कैनन, ये मैक्स करना चाहिए। आप शायद सोचेंगे डिफेंस नहीं, मेन ये होते हैं, ये क्या ले रहा है 10 3 दिन 12 घंटे, और ये 3 दिन लगा गाइस। पहले आपको वार्सेट और कैनन मैक्स करनी चाहिए, उसके बाद आपको मैक्स करना चाहिए क्या कहते हैं यार उसे, ए डिफेंस वो भी मेन चीज़ होता है। पहले आर्सेट और कैनन मेन चीज़ होते हैं गाइस, फिर उसके बाद आपको ए डिफेंस मैक्स करनी चाहिए। टाइम ले लेगा कुछ 5 दिन, टाइम कम हो चुका है गाइस, पहले बहुत था। और हिडन टेस्ला तो वो लास्ट में कीजिएगा, नया हिडन टेस्ला भी लास्ट में लेवल अप कीजिएगा। और फिर ए डिफेंस होने के बाद आपको मैच करना है जट और पूरे नहीं मत कीजिए, आप क्या करिए दो बिल्डर हिडन टेस्ला पे रखिए, दो बिल्डर जट और पे, एक बिल्डर मोटर पे रख दीजिए, ताकि दूसरा अटैकर आके पूरे जट और अपते रहेंगे तो ग्रुप का डैमेज लेने वाले कोई नहीं रहेंगे गाइस। वो मोटर का तो ज़्यादा डैमेज होता ही नहीं, इसलिए इजीली 100 होगा आपका बेस पे ग्राउंड अटैक। और ए डिफेंस भी आपको कंटिन्यूसली पूरे हफ्ते लगाने नहीं चाहिए, एक बिल्डर इस पे स्पेंड कर देने से बिल्डर को अलग अलग पे। और चलते हैं हम हमारी लैब की, और इजीली मैक्स कैसे करना चाहिए। फर्स्ट आपको मैक्स करना चाहिए विजार्ड, जो कि 50 लाख एलेक्सा ले लेता है। और आपको करना चाहिए नेक्स्ट जेंट होने के बाद आपको करना चाहिए हीलिंग, ये परफेक्ट टाइम ही है गाइस TH9 के लिए जेंट विजार्ड हीलिंग और हीलर भी यूज करने चाहिए। उसके बाद आपको करना चाहिए पेक्का करेंगे या फिर ड्रैग या फिर लून कर लीजिए गाइस, लून बहुत भारी रहेंगे। और उसके बाद आप कर लीजिए ड्रैग, ये एलेक्सा ट्रुप में कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो आर्मी मैक्स करना है पहले जेंट विजार्ड हीलिंग स्पेल, उसके बाद आपको मैक्स करनी है वल्केरी होती कि आपको लगा दीजिए ड्रैग होते कि फिर वल्केरी, फिर उसके बाद लून करके फिर गोलम, उसके बाद आप करिए पेका करके आपको हॉक कर देना चाहिए। हॉक करने के बाद आप भी चलावा जब मर्जी तब लगा ले सकते गाइस, ये इससे कुछ नहीं होगा गाइस। जैसे कि सब बनाते हैं यूट्यूबर वीडियो, बट क्या होगा आपको आइडिया मिलेगा इतना इजीली मैक्स कैसे कर सकते हैं देख। लेकिन आपको मेन चीज़ होती है आप कंटिन्यूसली गेम खेले, फार्मिंग करें और बिल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। मेरे पास ज़्यादा आर्मी होते हैं, दो आर्मी का मैक्स है और एक आर्मी का जा रहा है। और गाइस मैं आपको अपनी आर्मी बता दूँ, जो कि बेस्ट आर्मी है TH9 के लिए फार्मिंग आर्मी, 18 जेंट्स यूज़ करता हूँ मैं, 16 विजार्ड, 3 हीलर यूज़ करता हूँ, 4 लॉर्ड ब्रेकर और 6 आर्चर। और स्पेल में मैं यूज़ करता हूँ 2 हीलिंग, 1 रेज, 1 जंप, 1 स्पीड। और मैं आपको पीसी में माइनर यूज़ करता हूँ, आपको भी सलाह दूंगा माइनर यूज़ करें। और मैं आपको एक अटैक का रिप्ले भी बता देता हूँ, बेस्ट आर्मी है एलेक्जर भी फार्म होता है अच्छा से,
चले गाइस चलते हैं। देखिए गाइस इतना बड़ा बेस था, डेड था कोई बात नहीं, लेकिन एलेक्स को फार्म हुआ गाइस, एलेक्स फार्म हुआ, गोल्ड फार्म हुआ। आज मैंने 40 लाख एलेक्सा फार्म किया गाइस, मैं पूरा खाली हो गया था एलेक्सा से। और गोल्ड भी मैंने बहुत कुछ फार्म किया था गाइस, इंटेंट कर देता हूँ मैं। आपको हीलर यूज करनी चाहिए जेंट के पीछे, ना कि क्वीन के पीछे, क्वीन वॉक नहीं चलेगा गाइस लो लेवल को, और थ्री हीलर पोचे भी क्वीन भी नहीं चलेंगे। एटलीस्ट 5 हीलर होने चाहिए, 4 तो भी होने चाहिए, 3 नहीं तो 4 तो भी होने चाहिए गाइस, 5 नहीं तो, क्योंकि क्वीन वॉक बहुत मेन होता है एटलीस्ट। लेकिन आपको की क्वीन लेवल 15 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो ही क्वीन वॉक सही लगेगा, वरना आपकी क्वीन नहीं चलेगी। नहीं इजीली 100 हो चुका है, मैं अभी क्वीन ट्वीक कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। और मैंने स्टार्टिंग भी कहा था और लास्ट में भी कहूँगा, मैं अगर मेरे 5K सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको फ्री TH9 के एडी गिव अवे कर दूँगा गाइस। अगर अच्छे ही चलते गए तो 10 GB गिव अवे कर सकता हूँ, बट यही एडी गिव अवे करूँगा मैं।